नमस्कार, चैलेंज न्यूज 24 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवांगी। खबरों को देखें विस्तार से। बांदा जिले के ग्राम पंचायत अलीहा में 3 दिन की बारिश ने खोल दी ग्राम प्रधानों की पोल। लगातार 3 दिन से हो रही बारिश के चलते ग्राम अलीहा में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। गांव के अंदर बने हुए लगभग 2 दर्जन घरों में बरसात का पानी घुस गया है। फलस्वरूप उन घरों में रहने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गाँव में अधिकतर कच्चे मकान होने के कारण उनके ढह जाने का डर बना रहता है, इसीलिए लोग अपना घर छोड़कर पड़ोसियों के घर में रहने को मजबूर है। मवेशियों के रहने की जगह भी जलमग्न से बड़ी मुसीबत उठानी पड़ रही है। गांव के किनारे से बना हुआ नाला पूरी तरीके से जाम होने के कारण पानी की उचित निकासी नहीं हो पा रही, जिसके चलते गांववासी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं। पीड़ित ग्रामवासियों ने पूछने पर उन्होंने बताया है कि हम शासन से गुहार लगाते हैं कि इस ओर अधिकारियों का ध्यान आना चाहिए और जल निकासी की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि जलभराव के कारण भविष्य में होने वाली बीमारियों से बचा जा सके और आम जनमानस को किसी भी संभावित संकट से बचाया जा सके। कुंवर सिंह, आजाद सिंह, तेज सिंह, सुधर सिंह, अजीत सिंह, नरेश सिंह, जगरूप सिंह, ब्रजरूप सिंह, जगरूप सिंह, मुन्ना सिंह, माधव सिंह, भगवान सिंह आदि लगभग 2 दर्जन लोगों के घरों में पानी घुस जाने से इन लोगों ने शासन से मदद की गुहार लगाई है। बांदा से ब्यूरो चीफ पुरुषोत्तम कुमार की रिपोर्ट।